नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर में स्वागत है। आपको पीछे थंबनेल पे दिख रहा होगा एमसीआरई रिक्वायरमेंट 2024। कौन कौन साथी इसके अंदर एलिजिबल है, कौन क्या सैलरी रहती है, क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या मिनिमम एज है और फॉर्म डेट क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, प्रत्येक चीज़ की जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप प्रथम बार चैनल के ऊपर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपके पास में जो चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसके बगल में ये घंटे का निशान है, उसके ऊपर भी टिक कर देना एक बार, ठीक है। वो घंटा बजने के बाद इस ऐसा है कि आपके पास कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपके पास पहुँचता रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्येक जो लेटेस्ट अपडेट रहती है गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित, वो सभी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप अगर आप 10th पास हो, अगर आप 12th पास हो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो तो भी आप एम्स के अंदर जा सकते हो। ऐसी अभी एक जो वैकेंसी है, वो रिक्वायरमेंट है, वो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसकी प्रत्येक चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न, एज, फॉर्म डेट, सब चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपको दिख रहा होगा ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली, यहाँ से ये नोटिफिकेशन है वो वायरल हुआ है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इसके ऑथेंटिक न्यूज़ जान सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसके अंदर एक वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर अब इस बी और सी ग्रुप के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बी एंड सी में बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता कि अपन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 10th पास है तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, अगर आप 12th पास है तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, वो सब चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन का नाम है आपका एमसीआरई एम्स रिक्वायरमेंट 2024 ग्रुप बी एंड सी वेरियस। अब देखो इसके जो ये नोटिफिकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था जो ये तो 24 जुलाई और क्लोज डेट है फॉरम की वो है 31 अगस्त। फॉरम स्टार्ट कब से आपके 24 जुलाई से हैं, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें अभी तक ये आपको शायद साइट पर नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ चीज़ें पहले ही आ जाती है, ठीक है। आपको 24 जुलाई से आपको फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ये मेरी गारंटी आपसे, ठीक है। तो 24 जुलाई से तो आपके फॉर्म स्टार्ट है, याद रखना, और 31 अगस्त 2024 को फॉर्म है वो क्लोज डेट है, इस चीज़ को भी याद रखना। ये दोनों चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद रखना, फॉर्म जरूर अप्लाई करना है सभी को। उसके बाद में अपन देखते हैं इसके डेट ऑफ एग्जाम की, एडमिट कार्ड आएगा आपका 27/9/2024 को। उसके बाद आपके एग्जाम की जो डेट है वो है 3/10 गांधी जयंती के दूसरे दिन 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2024 तक आपके एग्जाम चलेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 5 दिन एग्जाम चलेंगे आपके, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। एग्जाम सिटी ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, भारत के बड़े बड़े शहरों में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। आप जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, राजस्थान के किसी भी कोने से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ऐसी जगह आपको एग्जाम के साथ घूमने का भी मौका मिलेगा, चलेगा, ठीक है। तो अपने को एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना, घूमने के बहाने नहीं भरना, पढ़ना भी है। अब कुछ लोग क्या होते हैं इसको फॉर्म भरते नहीं है इसका, क्यों, क्योंकि जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट है उसकी जो फॉर्म फीस है वो है भाई साहब 3000 रुपये, ठीक है। और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों की फॉर्म जो फीस है वो है 2400 रुपये। तो इस कारण बहुत सारे विद्यार्थी इसको भरते नहीं है इस फॉर्म को। और पिछली बार ये नोटिफिकेशन आया था 2023 के अंदर, ठीक है, तो मेरे साथियों ने एक दो थे उन्होंने भरा था और वो लग गई, क्योंकि 3000 सोच के कौन भरता है, सोचता है यार इतनी सारी फीस है, क्या सिलेबस है, क्या फलाना दिगड़ा पुंचड़ा, ऐसे करके वो नहीं भरता। तो आपको फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना है इसका, याद रखना, और तैयारी भी करनी है, सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आगे देखो, अब देखो ये इसके अंदर पोस्ट रहती है आपकी एलडीसी, आपने देखा होगा है कलर डिवीजन, सॉरी लोअर डिवीजन ऑफ क्लर्क, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की आपकी इसके अंदर पोस्ट रहती है, जिसके अंदर आपको पता है कि आपकी इसके अंदर टाइपिंग भी आती है, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस अटेंडेंट की इसके अंदर पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की इसके अंदर पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की इसके अंदर पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की इसके अंदर पोस्ट है, अलग अलग बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है। ये तो इतनी पोस्ट है तो आई थी पिछली बार, ठीक है।
अब इसके अंदर नोटिफिकेशन आएगा, इसके अंदर और भी ज़्यादा पोस्ट मिलेगी आपको अब की बार, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसीज हैं प्रत्येक चीज़ के लिए। अब आपको इसके अंदर दिया हुआ मिलेगा जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर कि LDC के लिए आपकी 10th होनी चाहिए या 12th होनी चाहिए, ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपका क्या होना चाहिए, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क, सभी की ये जो चीज़ें हैं आपके एलिजिबिलिटी वो रहेगी 10th, 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है। इसमें नर्सिंग का कोई रोल नहीं रहेगा, ये याद रखना एक चीज़। तो ये आपको जो फॉर्म स्टार्ट होंगे उससे पहले पहले नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। चलिए आगे, ये इसका सिलेबस रहता है, ये इसकी PDF मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं अपन एग्जाम पैटर्न की, बात कर लेते हैं और लेवल क्या रहता है सिलेबस का। ये देखो, जनरल नॉलेज ऑफ अवेयरनेस 25 मार्क्स आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स, और वो भी 10th लेवल तक का आएगा मुन्ना। उसके बाद इंग्लिश आएगी आपकी 10th लेवल तक की, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, 10 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्लास 10th लेवल तक का आपका रहेगा, ये भी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के। उसके बाद में आपके ये 10 मार्क्स 10 और 10 मार्क्स MS ऑफिस इंटरनेट CC रूल्स वगैरह ये आएंगे आपके 1964 के। अब देखो ये रहेगा सेम चीज़ वही जो अभी मैंने आपको बताया है, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे, फिर 10 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे इंग्लिश के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर्स के। टोटल मिनट मिलेगा इसके अंदर आपको 90 मिनट्स रहेंगे आपके पास, और 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और 0.25 क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, चलेगा। ये तो आया आपको एग्जाम पैटर्न समझ में, अरे बैठा गया दिल और दिमाग में, आया क्या कुछ समझ में? तो ये रहता है, ये तो आप हमेशा पढ़ते ही आते, हमेशा पढ़ते ही आए हो इस चीज़ को तुम, अरे पढ़ते आए हो ना, तो हाँ बोलो ना, फिर ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठे हो। तो ये रहेगी आपकी इसके अंदर आपका सिलेबस, ठीक है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और सैलरी सर 40,000 से स्टार्ट होती है, इसके अंदर खूब सारी सैलरी है, मज़े है, ठीक है। तो आप 10वीं पास है, अगर आप 12th पास है, आप अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, तो एम्स में जा सकते हो, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस फॉर्म को सभी लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है ना। और अपने फ्री नोट्स और ऑनलाइन कोर्स के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कौन सा, याद रखना प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर, ठीक है ना। और भी आपकी कोई समस्या है, कोई चीर्ण पीर्ण हो, तो कमेंट छोड़ देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आई आपको पूरी बातें समझ में, जो थंबनेल पे लिखा हुआ था वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके अंदर आपके लेवल क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, और ये जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, फॉरम डेट, सिलेबस के बारे में सब चीज़ों की अपनी चर्चा कर ली यहाँ पर। तो ये फॉरम डेट एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको, 24 जुलाई से फॉरम स्टार्ट है और 31 अगस्त को आपके फॉरम भरने की दिनांक बंद हो जाएगी, चलेगा। एग्जाम होगा आपका 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। एग्जाम सिटीज आपको मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, ये आपकी फॉरम फीस रहेगी। तो एक बार वापस से वीडियो को रिवर्स देख लेना करके, ठीक है ना। और कोई समस्या हो आपकी, कोई इंक्वायरी हो, तो 7357008180 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो आपकी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में जो घंटे वाला निशान है ना, जरूर दबा दियो यार। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान।